हाई फ्रेंड, कैसे उम्र और फिर से आपका स्वागत है। यदि आप रेडमी 12 5G डिवाइस या फिर पोकोम 6 प्रो 5G डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इस डिवाइस के लिए एक नया अपडेट जो है रोलिंग आउट शुरू हो चुके हैं, जिसका वर्जन है HyperOS 7.0.4.0। 364 MB इसका साइज है और ये जो अपडेट है भाई थोड़ा सा जल्दी मान सकते हो, थोड़ा सा डिले भी है क्योंकि इस डिवाइस के लिए दो अपडेट आ चुके हैं ऑलरेडी HyperOS के। ये जो अपडेट है अभी जो है बीटा के अंदर रोलिंग आउट शुरू हुई है, पब्लिक रोलिंग आउट नहीं है, तो आपको कुछ दिनों के बाद में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं A to Z बताने वाला हूँ इस अपडेट के अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है एंड क्या कुछ हम उम्मीद करते हैं, जो कि पहले वाला अपडेट है HyperOS 1.0.2.0 का, उस अपडेट के अंदर जो इश्यूज थे क्या वो इश्यू इस अपडेट के अंदर फिक्स किए जाएंगे, उसके अंदर कौन कौन सी इश्यू थे मैंने ऑलरेडी बता दी और इस वीडियो के अंदर और बता देता हूँ। जैसे भाई कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, यदि आप रेडमी का डिवाइस यूज़ कर रहे हो और HyperOS का अपडेट जिन भी डिवाइस के लिए आ रहा है ना, चाहे वो सेकंड अपडेट हो या फिर फर्स्ट अपडेट हो, भाई बहुत ही ज़्यादा कचरा होते जा रहे डिवाइस। इस डिवाइस के लिए पहला HyperOS अपडेट आया था उसके अंदर कम इश्यूज थे, सेकंड वाले के अंदर भाई बहुत ज़्यादा, रेडमी नोट 12 प्रो 5G डिवाइस के अंदर सेकंड अपडेट आया HyperOS का, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज है। और ये डिवाइस तो इस साल तक जा चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कोई भाई एंड्रॉयड जो 7 आया था ना उसके ऊपर पाई के ऊपर जो डिवाइस को यूज़ करे उस तरीके का भाई ये बिहेवियर करता है, बहुत ही मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा लेग करता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है, बिल्कुल भी यूजेबल नहीं रहता डिवाइस है। थोड़ा सा आप आउटडोर यूज़ करो, कॉलिंग के अंदर भी दिक्कत आती है, कॉल भी नहीं कर पाते हैं, इस ये हालत हो चुकी है इस डिवाइस की। इस अपडेट को करने के बाद में देखेंगे क्या इस अपडेट के अंदर उन इश्यूज़ को फिक्स किया जाता है या फिर इश्यूज़ को बरकरार रखा जाता है। यदि इस डिवाइस के अंदर वो सेम ही इश्यू बरकरार रहते हैं तो फिर इस डिवाइस के लिए अपडेट आने का कोई भी मतलब नहीं होता है, अपडेट देने से नहीं होता है भाई, अपडेट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। यदि आपके जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने ज़्यादा शेयर पर व्यूज़ होंगे, तो कंपनीज क्या करती है, जो भी अपडेट आता है, जो भी हम यूट्यूब रिव्यू करते हैं उन वीडियोज़ को कंपनी देखती है। तो यदि आप ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, आपकी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओगे तो वो कमेंट देखेंगे तो उसका हमें जरूर से सोल्यूशन मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, थोड़ा सी वीडियो क्वालिटी कम होगी एंड आप इसका जो सर्विस एंड फीडबैक वाला जो ऑप्शन होता है वहां पर जाके आप फीडबैक जरूर से सबमिट कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे फीडबैक सबमिट करोगे तो कंपनी तक सबमिट फीडबैक जाएगा, तो वो इस्यूज पर ध्यान देगी। और आपको भी पता है कि ये डिवाइस बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, जिन भी डिवाइसेस के लिए HyperOS आ रहा है ना उनकी बैटरी देने है, हीटिंग की प्रॉब्लम है, चार्जिंग का इश्यू है, कॉलिंग से रिलेटेड है, कैमरा UI लेग करता है, इंस्टाग्राम चलाते हो तब आपका कैमरा लेग करता है, इसके अंदर तो कैमरा नॉर्मली लेग करता है, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करो सारे एप्लीकेशन लेग करता है, कैमरा तो बहुत ही ज़्यादा लेग करता है, जब आप कैमरा यूज़ करते हो तो गेस्चर बिल्कुल भी वर्किंग नहीं रहते, तो बहुत ही ज़्यादा कचरा हालत हो चुकी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है। तो इस वजह से मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट दिखाए ताकि कंपनी ने इस चीज़ को फिक्स करे। जब तक आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे आपके में जो इश्यू फिक्स नहीं होगा। अब मैं ऐसा आपको ज़्यादा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास तो मल्टीपल डिवाइस है, इसके अंदर इश्यू है, मैं दूसरे के अंदर सिम कार्ड इंसर्ट कर लूँगा, तीसरे के अंदर कर लूँगा, जो पुराने वाले पड़े हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रेडमी नोट 10 प्रो जैसे डिवाइसेस मेरे पास पड़े तो उनके अंदर मैं सिम कार्ड इंसर्ट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पब्लिकली जो आप लोग परेशान हो रहे हो उसका सोल्यूशन ये है कि आप फीडबैक कीजिए एंड वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम आप फीडबैक के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे तो कंपनी तक ये जो फीडबैक जाएगा तो हमारे इश्यूज़ को जैसे जैसे फिक्स किया जाएगा। एंड बाकी इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट की मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले के अंदर भी मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट है, चार्जिंग टेस्ट है, सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊँ। थोड़ा सा क्या बिजी हूँ इस वजह से वीडियो डिले आ रहे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों तक से। 25 तारीख के बाद में सारी चीज़ें प्रॉपर जो है टाइम टू टाइम मिलेगी, लेकिन 25 तक बहुत ही ज़्यादा बिजी हुई इस वजह से थोड़े से वीडियो जो है वो लेट आ रहे हैं। सो फ्रेंड, ये था वीडियो एंड ये था एक नया अपडेट। अभी मेरा जो है वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका है इस डिवाइस का, इस वजह से डाउनलोडिंग बीच में रुक चुकी है एंड इस डिवाइस के रिलेटिव सारी चीज़ें आप बताइएगा। भाई फिर से वाईफाई कनेक्टेड आ रहा है, चलो कोई नहीं। सो इसका फुल रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा और ये अपडेट बीटा के अंदर है। आप लोग फिर भी कमेंट करोगे इस वजह से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर लगभग 10 से 15 दिन के बीच में पब्लिक रोलिंग आउट इसकी शुरू हो जाएगी, तब ये अपडेट आपके डिवाइस के अंदर रिसीव हो जाएगा। सो उम्मीद फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।